उन्हीं आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं उर्वरक मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारत सरकार में भारी उद्योग के मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, मान्य विधायकगण श्री अवधेश सिंह जी, श्री सुरेंद्र नारायण जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री नीलरतन पटेल जी, एमएलसी श्री आचार्य लक्ष्मणाचार्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और उपस्थित भारी संख्या में काशी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश को भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात दीपावली के पहले प्राप्त हो रहा है। दीपावली के पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रथम सत्र में 9 मेडिकल कॉलेजेज उपलब्ध होना और उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी कुछ ही देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महात्मा बुद्ध की पावन धरती सिद्धार्थ नगर से उन 9 मेडिकल कॉलेजेज का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इस समय हम लोग बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही अपनी काशी में और महात्मा बुद्ध की प्रथम ज्ञान जहां से उन्होंने प्रथम उपदेश जिस धरती से दिया था, इस पावन धरती पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश ने भी और दुनिया ने भी विगत 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एक बदलते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी देखा है। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हरेक व्यक्ति के जीवन को बचाना, उसकी जीविका को बचाने की चुनौती को सफलतापूर्वक सामना करना और न केवल हरेक व्यक्ति को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो या 100 करोड़ लोगों को सबको वैक्सीन